वेलकम टू अशोका क्लासेस, स्वागत है आप सभी का। आज फिर हम इंग्लिश का जो रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर देखेंगे, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये रूल्स हैं 42, हम चार रूल्स कर चुके हैं, अब चार और मैं रूल्स लेके आया हूँ आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हर एक किसी एग्ज़ाम के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए रामबाण वीडियोज़ हैं। आप देखते हैं इन रूल को और मैं उम्मीद करता हूँ कि रूल्स आपकी बहुत मदद करेंगे। रिवीजन कीजिए इन रूल्स का, आपको बहुत मदद करने वाले हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को दो बार देखिए, आपको समझ आएगा। चलिए रूल नंबर जो 5 है, हम 4 पिछली वीडियो में देख कर चुके हैं, जिसने नहीं देखी वापस जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स कनेक्टेड बाय और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नोट ओनली बट आल्सो। ठीक है, जिस सेंटेंस में और आ जाए, नोर आ जाए, आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, नोट ओनली बट आल्सो आ जाए, वर्ब एग्री करती है नियर वाले सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। नेदर द क्वालिटी नोर द प्राइसेस हैव चेंज्ड। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने पढ़ा, जिस सेंटेंस के अंदर नेदर आ जाए, नेदर नोर आ जाए, ठीक है, उसमें जो वर्ब आएगी वो इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये सिंगुलर होगा तो यहाँ सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल होगा। तो हमने ठीक कहा, नेदर द क्वालिटी नोर द प्राइसेस हैव चेंज, ना तो क्वालिटी बदली है ना ही प्राइस बदले गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। नोर नेदर द प्राइसेस नोर द क्वालिटी हैज चेंज्ड, वही बात है, पास्ट वाले के अनुसार वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट जो होगा पास्ट वाला, ठीक है, तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आ गया। क्लियर, 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। नोट ओनली हेडमास्टर बट आल्सो द टीचर्स आर इन माई फेवर, ना केवल प्रिंसिप मुख्य अध्यापक बल्कि मेरे अध्यापक भी मेरे पक्ष में हैं। यहाँ पे एस लगा हुआ है और नोट ओनली से सब्जेक्ट वाक्य शुरू हो रहा है, इसलिए पास वाले के अनुसार से यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं इसका, 4th होगा एग्जाम्पल, 3rd या 4th एग्जाम्पल है। नोट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल इज इन माई फेवर, समझ आ रहा है, तो यहाँ पे इज आया क्योंकि ये सब्जेक्ट नोट ओनली से, ये सेंटेंस नोट ओनली से शुरू था और इस वर्ब से पहले वाला क्या था, सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। डन, वापस देखिए, लिखिएगा, आपको समझ आएगा। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन नाउन, जिस किसी चीज का भी नाम हो सकता है इस संसार के अंदर, इस वर्ड के अंदर, दैट आर ऑल नाउन्स, जिन चीज़ों का नामकरण किया जा सकता है वो सारी चीज़ें नाउन हैं। जो भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं नाउन है, जो आप महसूस कर सकते हैं नाउन है, आप जिन चीज़ों का नाम बोल सकते हैं अपने मन में बोल लीजिए, वो सब नाउन ही होंगे। तो अब देखिए, व्हेन नाउन एक्सप्रेस पीरियड्स ऑफ टाइम, जब संज्ञा बताता है पीरियड्स ऑफ टाइम को, अमाउंट ऑफ मनी को या फिर क्वांटिटीज़ को, आर कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। सिंपल सी बात है, जब भी किसी वाक्य में पीरियड्स ऑफ टाइम को बताएं, अमाउंट पैसों को बताएं, मात्रा को बताएं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे समझेंगे इसको हम, इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में 1, 10 rupees सीम्स टू मच फॉर दिस जॉब, एस लगा है, ठीक है, सिंगुलर होता है, तो 10 rupees पीरियड्स ऑफ टाउन, ये अमाउंट्स ऑफ मनी को दर्शाता है, तो सिंगुलर यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो 10 rupees सीम्स टू मच फॉर दिस जॉब, 10 rupees बहुत ज़्यादा दिखते हैं इस जॉब के लिए,
तो 10 रुपीज अमाउंट ऑफ मनी है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। 3 मंथ्स क्या चीज़ है, पीरियड्स ऑफ टाइम, राइट? इज टू लॉन्ग ए टाइम टू वेट, 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं इंतज़ार करने के लिए, बहुत लंबा समय है। तो 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जब एग्जाम में ये आते हैं, तो इज का प्रयोग होगा। किस लिए होगा इज का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे आप पीरियड्स ऑफ टाइम की बात की जा रही है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं इसका, यस 5 मीटर इज एम्पल फॉर अस, हाँ 5 मीटर बहुत बड़ा है हमारे लिए, एम्पल मतलब बड़ा, स्पेसियस बोलते हैं। तो मीटर क्या है, क्वांटिटीज मात्रा है, तो 5 मीटर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की गई है, क्वांटिटीज की बात की गई, इसलिए सिंगुलर क्या आएगी यहाँ पे, वर्ब सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज वेरी स्मॉल, तो किसकी बात करिए, अमाउंट, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर इज वेरी स्मॉल, तो बोर्ड के मेंबर हैं बहुत ही कम हैं, तो द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज वेरी स्मॉल, क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे एग्जाम में होता है, हम इसको समझ सकते हैं, इसको याद करेंगे तो जल्दी हम अच्छा स्कोर अपने एक परीक्षा के अंदर डेवलप कर सकते हैं। रूल नंबर 7, देखिए मैं ये सब बातें आपको कैसे बता पा रहा हूँ, आपके मन में सवाल होगा। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक एंट्रेंस मैंने लगभग निकाला हुआ है और यही सब पढ़ के मैंने निकाला है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएड है, एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने 3 महीने किया, ड्रॉप किया एंट्रेंस निकाल के, तो ये सभी चीज़ थी एग्ज़ाम के अंदर, राइट? चलिए, आफ्टर सच एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, 1/2 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/2 ऑफ, 2/3 ऑफ, ए पार्ट ऑफ मेजोरिटी, ठीक है? जिस किसी सेंटेंस के अंदर 1/2 ऑफ आ जाए, 2/3 ऑफ आ जाए, तो उसका आंसर हम कैसे निकालें, पता कैसे चलेगा? तो उनने कहा, यूज सिंगुलर वर्ब इफ ए सिंगुलर नाउन फॉलोज द ऑफ, यदि ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आए, यदि ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है? अगर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, जैसे ए पार्ट ऑफ आ गया सेंटेंस के अंदर, ऑफिस क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। ए पार्ट ऑफ द ऑफिस इज क्लोज्ड, एक ऑफिस का हिस्सा बंद किया जाता है, इसकी हिंदी होगी। अब देखिए, टू थर्ड ऑफ मेजोर मेलिंग लिस्ट हैज बीन टाइप्ड, 2/3 मेलिंग लिस्ट को टंकन कर दिया गया है, टाइप कर दी गई है, तो 2/3 आ गया इसके अंदर। यहाँ पे मेलिंग है सिंगुलर है, लिस्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, नाउन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, अगला आपको और स्पष्ट हो जाएगा कहाँ पे हमें प्लूरल करना है। तो जैसे यूज प्लूरल वर्ब इफ प्लूरल नाउन्स फॉलोज ऑफ, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, प्लूरल नाउन आता है। पार्ट्स ऑफ द वॉल्स, पार्ट आ गया, देखिए इसमें लिखा है पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट आ गया सेंटेंस के अंदर, तो आर टू बी प्रिंटेड, यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स के बाद क्या था, एस था, राइट? समझ आ रहा है आपको? तो टू बी पेंटेड, तो पार्ट्स ऑफ वॉल का पेंट किया जाना था, है। 2/3 ऑफ अवर वर्कर्स, एस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पुलर आएगा, नहीं तो एस लिव इन द स्लम्स, तो हमारे जो 2/3 वर्कर्स हैं रहते हैं स्लम के अंदर, यहाँ पे एस लगा हुआ है। देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में एस सी एस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ में, पुलर के साथ में एस सी एस का प्रयोग नहीं करते। डन, आपको समझ आएगा, आप इसके नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। दिस इज द सिंगल फॉर्मूला टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जरूर निकलेगा एग्जाम, असंभव के ना निकल पाए। रूल नंबर 8, एक्सप्रेशन द नंबर, सिंपल, दो चीज़ फोकस कीजिए, द नंबर रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब और ए नंबर रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। जिस सेंटेंस के अंदर द नंबर लिखा आ जाए
वहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी। जिस सेंटेंस के अंदर ए नंबर लिखा आ जाए वहाँ पे वर्ब कैसे होगी, प्लुरल वर्ब होगी। देखते हैं, द नंबर लिखा है, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर इज वेरी स्मॉल, जो बोर्ड मेंबर के सदस्य हैं बहुत ही कम हैं। डन, आगे हमने द नंबर था इसलिए कैसा आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। अब ए नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, ए नंबर आ गया तो वर्ब कैसे आएगी, प्लुरल आएगी। सो सिंपल, बस छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। तो ए नंबर ऑफ, अब सिंगुलर आने वाला है, ए नंबर आ गया तो प्लुरल आएगा, द नंबर आएगा तो सिंगुलर, ए नंबर आएगा तो प्लुरल, राइट। तो लास्ट रूल हमारा, आफ्टर सच वर्ड्स लाइक ऑल, एनी, नोन, अलोन, ओनली, अलोन, दो बार आगे, नथिंग, ठीक है, जिस वाक्य में ऑल आ जाए, एनी आ जाए, नोन आ जाए, अलोन आ जाए, ओनली आ जाए, नथिंग आ जाए, यूज दैट इंस्टीड ऑफ विच या हु, ठीक है। जिस सेंटेंस में अलोन, ओनली, अलोन, नोन, एनी, ऑल आ जाए, सेंटेंस में दैट आना जरूरी है, विच और हु नहीं आता है। सिंपल, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। मैन इज ओनली, ओनली आ गया, एनिमल दैट कैन थिंक, राइट, यहाँ पे ओनली आया इसलिए दैट आया। रूल नंबर सेकंड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जितने भी सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं हुआ करती, शेक्सपियर का बहुत ही फेमस कोट है। तो ऑल के बाद क्या आएगा, दैट, राइट। ये सभी रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मदद हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। इन सभी का नोट्स बनाइए, सुबह उठ के रिविज़न कीजिए, अपने पास अपने सराहने पे अपने बुक्स रखिए, कॉपी रखिए जहाँ आप नोट करते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।